आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एग रोल। इसके लिए लिए हम आधा पत्ता गोभी, दो गाजर और एक प्याज। इसको हम काट के धो के आपको दिखाते हैं। ये पत्ता गोभी और गाजर को हम कद्दूकस कर दिए, पत्ता गोभी को मेन मेन काट लिए, प्याज भी हम काट लिए हैं। और हम मैदा को साने थे, इसमें हम डाले थे तेल, रिफाइन तेल और हल्का सा नमक। इसको हम सान के थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए। इसको 10 मिनट इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मत ये है कढ़ाई देखिए बैठा दिए है। डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, पत्ता गोभी को डाल देते हैं। गाजर भी साथ में डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, एक काली मिर्च है तो हम लोग गोलकी भी बोलते हैं डालती हैं, सोया सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, हल्का सा चीनी डालेंगे,
है, तब तक देखिए प्याज को हम काटे हैं एग रोल में डालने के लिए। आधा नींबू लिए हैं, इसको निचोड़ देंगे हम, फिर हम इसको मिला देंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये आटा हम 10 मिनट पहले इसको सान दिए थे, देखिए मुलायम हो गया है अच्छा से। इसमें नमक, रिफाइंड तेल डाल दिए थे तो मुलायम हो गया। अब हम रोटी बना के आपको दिखाते हैं। आटा एकदम मुलायम हो गया है, 10 मिनट पीछे 10 मिनट पहले से इसको सान के रखिए। बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हम सब रोटी को बना लिए हैं, अब हम ये बैठा दिए हैं तवा, इसमें तेल डाल देते हैं। तवा मेरा गर्म हो रहा है, जब तक देखिए एक कटोरा लिए हैं, हल्का सा इसमें हम नमक डालते हैं। देखिए इसमें पहले से थोड़ा नमक है, अंडा को डालते हैं,
निकाल लेते हैं। देखिए हमारा मसाला है, मसाला को हम भी डाल सकते हैं। ये गोल हमारा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी रेसिपी बनवाना हो तो सुनीता जी का किचन में कमेंट बॉक्स में